Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 5 arithmetic progression. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. See figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है तो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज भी बतानी है और टॉप रो में कितने लॉक्स हैं ये भी बताना है सबसे पहले जो बॉटम रो है उसमें कितने हैं 20 यहां 20 हैं देन 19 देन 18 इस तरीके से ये कम होते जा रहे हैं तो हमारे पास जो सीक्वेंस आ गया वो किस तरीके से आ गया 20 19 18 एंड सो ऑन तो ए हो गया 20 और डी हो गया 19 माइनस 20 माइनस वन ए टू माइनस ए वन और टोटल लॉक्स हमें पता है 200 लॉक्स है मतलब एस एन हमें पता है एस एन कितना है 200 तो हम सबसे पहले निकालेंगे एन ठीक है तो उसके लिए हमें एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन हमें निकालना है एन बाई टू टू ए ए है 20 प्लस एन माइनस वन और डी है हमारे पास वन दैट इज इक्वल टू 200 डी माइनस वन है ठीक है दिस वन माइनस वन तो ये आ गया एन बाई टू 40 माइनस एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू 200 इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे टू इधर चला जाएगा तो ये हो गया एन 41 माइनस एन दैट इज इक्वल टू टू इंटू 200 ये हो गया 41 एन माइनस एन स्क्वायर is equal to 400 or 0 is equal to n square minus 41 n plus 400 ठीक है इसकी हम करेंगे splitting the middle term n square minus 41 n plus 400 that is equal to 0 और इसकी जब हम middle term splitting करेंगे तो factors हमारे बनकर आ जाएंगे n square minus 25 n minus 16n plus 400 is equal to 0. 25 plus 16 41 होता है और 25 और 16 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 400. कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया कॉमन n n minus 25 minus 16 यहाँ भी n minus 25 आ गया तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए n minus 25 और n minus 16 that is equal to 0. तो n की दो वैल्यू आ गई 16 एंड 25 हम 25 को कर देंगे रिजेक्ट क्यों कर देंगे 25 को रिजेक्ट बिकॉज देखो हमारा जो सीक्वेंस था वो था 20 19 18 इस तरीके से तो माइनस में तो लॉक्स जाएंगे नहीं ना ज्यादा से ज्यादा वन लॉग होगी ऊपर इससे ज्यादा कम तो होगी नहीं तो भाई 25 रोज तो हो ही नहीं सकती ना 20 रोज से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ठीक है 25 को हमने कर दिया रिजेक्ट तो नंबर ऑफ रोज जो आ गई नंबर ऑफ रोज वो आ गई हमारी 16 एक आंसर हो गया हमारा ये अब हमसे पूछा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो में टॉप रो का मतलब यहाँ से नीचे से काउंट हो रहा है इट्स का मतलब हमें लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स बताने हैं मतलब हमें ए एन निकालना है और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी ए है 20 प्लस एन हो गया 16 माइनस वन और डी है माइनस वन ठीक है तो ये हो गया 20 माइनस 15 और ये आ गया 5 जो हमारी टॉप रो होगी उसके अंदर 5 लॉक्स होंगे ये हमारा हो गया दूसरा आंसर होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ऑल द बेस्ट